पुलवामा हमले पर पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया, कहा अब बातों का वक्त निकल चुका है, अब कार्रवाई का है वक्त। पुलवामा के पिंगलीना में एक घर में छिपे थे आतंकी, रात से दोनों तरफ से हो रही थी फायरिंग। आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलवामा में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी, सेना ने लोगों से वापस जाने की अपील की। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों में एक जवान राजस्थान के झुंझुनू का, शहीद शिवराम सिधारना की शहादत की खबर से शोक। पुलवामा में आज सेना और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में उत्तराखंड का एक और जवान शहीद, शहीद मेजर विभूति तीन बहनों में अकेले भाई थे। आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलवामा में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी, सेना ने लोगों से वापस जाने की अपील की। जम्मू बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा पुलवामा के शहीदों का सेना ने बदला ले लिया है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर नहीं थम रही सियासत, फारूक ने राज्यपाल शासन को बताया जिम्मेदार, कहा कश्मीर समस्या का हल निकालने तक होते रहेंगे ऐसे हमले। कश्मीर के चार अलगाववादियों की सुरक्षा हटाने पर सियासत शुरू, कांग्रेस और पीडीपी ने किया विरोध। पुलवामा हमले में पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा, हमले के दिन पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में था मसूद अजहर, बहावलपुर की बैठक में मौजूद थे आईएसआई और पाक आर्मी के अधिकारी। पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए व्यापारियों का आज भारत बंद, व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बुलाया बंद। खुफिया एजेंसियों ने भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर से कश्मीरी युवक को किया गिरफ्तार, पुलवामा की घटना में हाथ होने का शक, पाकिस्तान भागने की फिराक में था युवक। सीआरपीएफ ने एडवाइजरी जारी कर की अपील, वायरल हो रहे जवानों के बॉडी पार्ट्स की कथित तस्वीरों को शेयर न करने की अपील, कश्मीरी छात्रों को पीटने की बात को बताया फर्जी। पुलवामा हमले के विरोध में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज, ईरान ने पाकिस्तान उच्चायुक्त को किया तलब। पुलवामा आतंकी हमले के बाद के हालात पर सलाह मशवरे के लिए पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को बुलाया इस्लामाबाद, हमले के बाद भारत ने किया था सोहेल महमूद को तलब। भारत ने पाक उच्चायुक्त सोहेल महमूद को किया था तलब, पुलवामा हमले के बाद दी गई थी चेतावनी। कुलभूषण जाधव केस में हेग इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई, भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने पेश की कुलभूषण जाधव के पक्ष में दलील। हरीश साल्वे ने पाकिस्तान पर वियना सम्मेलन के आर्टिकल 36 के उल्लंघन का लगाया आरोप, कहा पाकिस्तान ने भारत को काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दिया। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर देश विदेश में प्रदर्शन जारी, टोरंटो में भी भारत का झंडा लेकर बड़ी संख्या में जमा हुए भारतीयों ने किया प्रदर्शन। राजौरी में आईईडी धमाके में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट को देहरादून में दी गई अंतिम विदाई, हजारों की संख्या में हुए लोग शामिल। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास 21 फरवरी को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, इस बैठक के बाद आम लोगों को ब्याज दरों में कटौती का लाभ मिल सकता है। आज जयपुर दौरे पर अमित शाह, जयपुर में अमित शाह ने दी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ। पंजाब विधानसभा में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी, सदन में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक राजा सिंह की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मांग, कहा सानिया मिर्जा को तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा किसी भारतीय खिलाड़ी को दिया जाए पद। टी सीरीज कंपनी ने पाकिस्तानी सिंगर के गाने को किया अनलिस्ट, आतिफ असलम के गाने को यूट्यूब से हटाया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी, युवकों ने सिर मुंडवाकर पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर आज फैसला, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उद्धव ठाकरे से कर सकते हैं मुलाकात। 26 फरवरी को राजस्थान के चूरू में होने वाली पीएम मोदी की जनसभा को सफल बनाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। शहीदों के परिजनों से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, देवरिया में शहीद विजय कुमार मौर्य के घर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर में किडनी तस्करों के रैकेट का पर्दाफाश, 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। किडनी रैकेट में रडार पर दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल, 30 से 80 लाख में बेचा करते थे किडनी और लीवर। यूपी के बलिया में नकल माफियाओं पर एसटीएफ की कार्रवाई, प्रिंसिपल और सॉल्वर सहित 6 लोग गिरफ्तार, परीक्षा केंद्र के बाहर कॉपी लिखते हुए पकड़े गए सॉल्वर। बिहार में लागू होगा 10% आर्थिक आरक्षण बिल, विधानसभा में पारित हुआ आर्थिक आरक्षण बिल।
बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सांसद कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद बिहार के दरभंगा से सांसद हैं। उनको बीजेपी ने कुछ दिनों पहले निष्कासित कर दिया था। बिहार में आम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक। महागठबंधन में बने रहने या अलग होने पर पार्टी ले सकती है फैसला। जीतन राम मांझी ने कांग्रेस RLSP से ज्यादा सीटों की रखी है डिमांड। RJD नेता अनिल कुमार मेहता आज बीजेपी में होंगे शामिल। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद रॉय, सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बिहार के बेगूसराय में PM के मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराज हुई सांसद वीना देवी। कहा, टिकट मिलने पर भी नहीं लड़ूंगी लोकसभा चुनाव। मुंगेर से LJP सांसद हैं वीना देवी। मध्य प्रदेश विधानसभा में दी गई पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन। रायपुर में लगाया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। रेलवे स्टेशन के सामने फहराया गया तिरंगा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बड़ा सड़क हादसा। शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अरपा नदी में कचरा डंप करने के मामले की गूंज। हॉस्टलों में आदिवासी छात्रों से दुर्व्यवहार मामले पर भी चर्चा। छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को जिताने के लिए संघ ने तैयार किया खास प्लान। बीजेपी ने कहा, संघ का मिलता रहता है मार्गदर्शन, तो कांग्रेस ने कसा तंज। इस बार बेकार जाएगी संघ की मेहनत। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में सामूहिक अवकाश पर एपिक्स बैंक के कर्मचारी। एपिक्स के साथ साथ 3 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने भी दी आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़। 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने का दावा। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल। पुलिस ने की पुष्टि, अबूझ मार के हिकमेटा और गोंगला के बीच मुठभेड़। राजस्थान में मिशन 25 को जीतने में जुटी कांग्रेस। बाड़मेर जैसलमेर के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। शक्ति ऐप को लेकर दी गई जानकारी। राजस्थान के राजसमंद में सामने आई ममता को शर्मसार करने वाली घटना। महिला ने की 4 महीने की बेटी की हत्या। हत्या कर शव को घर में दफनाया। पश्चिम बंगाल के गोड्डा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बीकानेर में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया किफायती पोर्टेबल कूलर। कीमत है केवल 1500 रुपये। कॉलेज प्रोफेसर्स ने बताई छात्रों की अनोखी पहल। दिल्ली में 14 और होटल होंगे बंद। फायर ब्रिगेड के मानकों के उल्लंघन का आरोप। अब तक 71 होटलों के लाइसेंस रद्द। विभाग के मुताबिक जारी रहेगा अभियान। क्रिस गेल ने वनडे से संन्यास का किया ऐलान। 2019 वर्ल्ड कप के बाद वनडे से रिटायर होंगे क्रिस गेल। ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर बरकरार विराट कोहली। चेतेश्वर पुजारा बैटिंग रैंकिंग में 3रे नंबर पर। कतर ने फीफा विश्व कप के लिए कपिल और धोनी की टीम को भेजा न्योता। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों को 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने के लिए न्योता। श्रीलंका के कुशाल परेरा ने रैंकिंग्स में एक ही बार में 58 स्थानों की लगाई छलांग। 153 रनों की नॉट आउट पारी खेलने के बाद 40वें नंबर पर पहुंचे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत के कुछ जगह से पाक खिलाड़ियों की तस्वीरों को हटाए जाने को बताया अफसोसजनक।